हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सर्वेइंग के क्वेश्चन जो एसएससी जेई प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें। क्वेश्चन 31, ऑफसेट आर ए लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चैन लाइन, बी टाइस और चेक लाइन विच आर परपेंडिकुलर टू चैन लाइन, सी सेट ऑफ माइनर मेजरमेंट इन चेन सर्वे, डी चेन लाइंस विच गो आउट अलाइनमेंट। ऑफसेट आर लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। जो ऑफसेट होता है वो लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन होता है। इट मे बी परपेंडिकुलर और ओब्लिक। जो परपेंडिकुलर और ओब्लिक होता है। क्वेश्चन 31 का आंसर ए सही होगा, लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन। जो ऑफसेट होता है वो लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन होता है। क्वेश्चन 32, व्हेन टू पॉइंट्स ऑफ सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रेंजिंग इज अडॉप्टेड। जब टू पॉइंट ऑफ सर्वेइंग आर म्यूचुअली इनविजिबल होता है तब हम कौन सा रेंजिंग का मेथड एडॉप्ट करते हैं? ऑप्शन है डायरेक्ट रेंजिंग, बी इनडायरेक्ट रेंजिंग, सी हॉरिजॉन्टल रेंजिंग, डी वर्टिकल रेंजिंग। चलो तो रेंजिंग होता क्या है वो देख। रेंजिंग द प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट एलोंग सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज रेंजिंग। रेंजिंग क्या होता है? तो वो सर्वे लाइंस एलोंग इंटरमीडिएट पॉइंट को इस्टेब्लिशिंग करते हैं, उसी को हम रेंजिंग कहते हैं। रेंजिंग इज टू टाइप्स। रेंजिंग के टू टाइप्स होते हैं, एक वन डायरेक्ट रेंजिंग एंड सेकंड इनडायरेक्ट रेंजिंग। जब हमें दोनों पॉइंट एंड पॉइंट्स या दोनों एंडेशन विजिबल हो गए तो इसे हम डायरेक्ट रेंजिंग कहेंगे। एंड इनडायरेक्ट रेंजिंग जब हमें दो पॉइंट या दो टेशन आर नॉट इंटर विजिबल हो गए ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड बिटवीन देम, ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द एंड टेशन। जब उसको राइजिंग ग्राउंड होगा या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तब हमें दो पॉइंट हो गए वो इंटर विजिबल नहीं हो गए तो उसे हम इनडायरेक्ट रेंजिंग कहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन 32 का आंसर बी सही होगा, इनडायरेक्ट रेंजिंग। क्वेश्चन 33, द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग इन सर्वे चैन इज। सर्वे चैन में दो ब्रास रिंग के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? ए 20 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर, डी 1 मीटर। ब्रास रिंग्स आर अटैच एट एवरी इंटरवल। फॉर 10 मीटर लॉन्ग चेन ब्रास टाइल्स आर फिक्स एट एवरी मीटर ऑफ चेन। 10 मीटर की चेन के लिए ब्रास एवरी 1 मीटर ऑफ चेन पे फिक्स होगा। द शेप ऑफ टाइल्स एट 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। दो शेप ऑफ टाइल्स होगा वो 1 मीटर के लिए अलग होगा, 2 मीटर के लिए अलग होगा, वैसे ही 3, 4 एंड 5 मीटर के लिए अलग होगा। 1 मीटर एंड और 9 मीटर के लिए ऐसा शेप होगा, 2 मीटर और 8 मीटर के लिए इस टाइप का शेप होगा, 3 मीटर और 7 मीटर के लिए इस टाइप का शेप होगा एंड 4 मीटर और 6 मीटर के लिए इस टाइप का शेप होगा एंड 5 मीटर के लिए इस टाइप का शेप होगा। तो जो ब्रास टाइल है वो एवरी 1 मीटर पे फिक्स होता है। तो हमारा क्वेश्चन 33 का आंसर डी सही होगा, जो ब्रास रिंग होगा वो एवरी 1 मीटर पे फिक्स होगा। क्वेश्चन 34, सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ टाई फ्रेमवर्क इज नोन एज। जो सर्वे लाइन में वेरीफाई करता है एक्यूरेसी ऑफ टाई फ्रेमवर्क इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टाई लाइन, बी है बेज लाइन, सी है सब्सिडरी लाइन, डी है चेक लाइन। चेक लाइन, चेक लाइन इज प्रोवाइडेड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फील्ड वर्क। जो चेक लाइन होती है वो चेक द एक्यूरेसी ऑफ फील्ड वर्क को चेक करता है। क्वेश्चन 34 का आंसर डी सही होगा, जो चेक लाइन होती है वो चेक द एक्यूरेसी को चेक करती है। क्वेश्चन 35, द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन अ गंटर चेन। गंटर चेन में कितने लिंक प्रोवाइडेड होती है? ऑप्शन है 132, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 66, ऑप्शन डी है 50। और वेरियस चेन में भी
कितने लिंक होते हैं वो भी देख लेते हैं। रेवेन्यू चेन होती है वो 33 फीट लॉन्ग होती है एंड उसमें 16 लिंक होते हैं। गंटर्स चेन 66 फीट लॉन्ग होती है एंड उसमें 100 लिंक्स होते हैं। इंजीनियर्स चेन 100 फीट लॉन्ग होती है एंड उसमें 100 लिंक्स होते हैं। एंड मैट्रिक चेन 30 मीटर की होगी तो उसमें 150 लिंक्स हो गए एंड 20 मीटर की होगी तो 100 लिंक्स होगी। क्वेश्चन 35 का आंसर 20 सही होगा। जो गंटर्स चेन होती है उसमें 100 लिंक्स होते हैं एंड वो 66 फीट लॉन्ग होती है। क्वेश्चन 36, व्हेन कंपेयर विद चेन सर्वेइंग प्लान टेबल इज, जब हम चेन सर्वेइंग को प्लान टेबल के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन ए मोर एक्यूरेट, बी लेस एक्यूरेट, सी नॉट एक्यूरेट, डी एक्यूरेट। चेन सर्वेइंग इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू प्लान टेबल सर्वे। जो चेन सर्वे होता है वो मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू प्लान टेबल सर्वे। क्वेश्चन 36 का आंसर बी सही होगा, लेस एक्यूरेट। जो प्लान टेबल सर्विंग होता है वो हम चेन सर्विंग से कंपेयर करेंगे तो वो लेस एक्यूरेट होगा चेन सर्विंग से। क्वेश्चन 37, चेन सर्विंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। ऑप्शन ए ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड एंड ओपन विथ सिंपल डिटेल्स। ऑप्शन बी एरिया इज स्मॉल ऑन अ लार्ज स्केल। ऑप्शन सी द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट। ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज एरिया हैविंग मेनी डिटेल्स। तो चेन सर्विंग होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है जब ग्राउंड फेयरली लेवल होता है एंड ओपन एंड विथ सिंपल डिटेल्स होता है तब, और स्मॉल और लार्ज स्केल के लिए भी सुटेबल होता है एंड एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट होता है तभी भी मोस्ट सुटेबल होता है। तो हमारा क्वेश्चन 37 का आंसर डी सही होगा, ऑल आर दी करेक्ट। क्वेश्चन 38, एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट विद इन। तो ऑप्शन ए है प्लस और माइनस 2 mm, ऑप्शन बी है प्लस और माइनस 5 mm, ऑप्शन सी है प्लस और माइनस 8 mm एंड नॉन ऑफ दी अबोव। जो 20 मीटर की चेन होती है वो प्लस और माइनस 5 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर मोर एक्यूरेट के लिए, एंड 30 मीटर की चेन होती है वो 8 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर 30 मीटर की चेन के लिए। तो 20 मीटर के लिए हमारा आंसर 20 सही होगा, प्लस और माइनस 5 mm, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 39, मेथड यूज फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड के लिए कौन से मेथड चेनिंग की यूज करते हैं हम? ऑप्शन ए बाई स्टेपिंग मेथड, बाय बी है बाय हाइपोटेंशियल अलाउंस मेथड, सी है बाय क्लिनोमीटर मेथड एंड डी है बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेंशियल मेथड। तो जो हम स्लोपिंग ग्राउंड के लिए मेथड यूज करते हैं वो स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोटेंशियल दोनों मेथड को यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 39 का आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन 40, मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू डेट अ मेजरमेंट में वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज। जो ट्रू वैल्यू में से वेरी होता है मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू मेजरमेंट तो उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए परमिसिबल एरर, बी है रेसिडुअल एरर, सी है एक्सपेक्टेड एरर, डी है सेफ एरर। मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू डेट ऑफ मेजरमेंट में बी वेरी फ्रॉम दी ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज परमिसिबल वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू को वेरी करता है वो परमिसिबल एरर होता है। तो हमारा क्वेश्चन 40 का आंसर ए सही होगा, परमिसिबल एरर। जो ट्रू वैल्यू को वेरी करता है वो परमिसिबल एरर। क्वेश्चन 41, नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर मैट्रिक चेन। 30 मीटर मैट्रिक चेन में कितने लिंक होते हैं? 100, बी 150, सी 180, डी 200। तो नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चेन इज 150। जो 30 मीटर की चेन होती है उसमें 150 लिंक होते हैं एंड 20 मीटर की चेन में 100 लिंक्स होते हैं। तो क्वेश्चन 41 का आंसर बी सही होगा, नंबर ऑफ लिंक इन 30 मीटर मैट्रिक चेन इज 150 लिंक्स। क्वेश्चन 42, इफ
A chain is found too short on testing, it can be adjusted by. जब हम टेस्टिंग के दौरान चेन को शॉर्ट फाउंड करेंगे तो उसे कैसे एडजस्ट करेंगे? ए स्ट्रेटिंग द लिंक्स, बी है इंसर्टिंग एडिशनल सर्कुलर रिंग्स, डी है फ्लैटनिंग द सर्कुलर रिंग एंड डी है एनी ऑफ द ऑप्शन. जब हम चेन को टेस्टिंग के दौरान शॉर्ट पाएंगे तो उसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए स्ट्रेटनिंग द बेंट लिंक्स, जो बेंट हो गए उसको हम सीधा करेंगे, फ्लैटनिंग द सर्कुलर रिंग को हम समतल करेंगे एंड रिप्लेसिंग सर्कुलर रिंग बाय बिगर रिंग्स, जो रिप्लेसिंग कर देंगे वो जो छोटा रिंग होगा सर्कुलर उसको हम बड़ा रिंग से रिप्लेस कर देंगे एंड इंसर्टिंग एडिशनल रिंग्स, और जब हमें और भी छोटा लगेंगे तो हम इसके अंदर कोई नया रिंग्स को ऐड करेंगे. तो हमारा क्वेश्चन 42 का आंसर डी सही होगा. ये सब हम करेंगे जब हमें जो चेन होगी इसकी लेंथ हमें शॉर्ट पाएंगे तो इसको एडजस्ट करने के. क्वेश्चन 43, परमिसिबल लिमिट फॉर एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड. जब हम चेनिंग से मेजरमेंट करेंगे फॉर रफ एंड हिली ग्राउंड के लिए, तो उसके लिए परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर क्या होगी? ऑप्शन ए है 1:2000, ऑप्शन बी है 1:1000, सी है 1:500, डी है 1:250. परमिसिबल लिमिट फॉर एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड. जब हम चेनिंग करेंगे रफ और हिली ग्राउंड में तो उसके लिए परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर क्या होगी? तो वो होगी 1:250. क्वेश्चन 43 का आंसर डी सही होगा, 1:250. जब हम मेजरमेंट करेंगे रफ और हिली ग्राउंड के लिए तो इसके लिए परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग के लिए 1:250 होगा. क्वेश्चन 44, ड्यूरिंग चेनिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन द लीडर ऑफ द चेन पार्टी हैज 3 एरोस एंड व्हाइल फॉलोअर्स हैज 5 एरो, द डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी. तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से. जो लीडर है उसके पास 3 एरो है एंड जो फॉलोअर्स है उसके पास 5 एरो है, तो डिस्टेंस पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से. तो ऑप्शन ए है 3 चेन्स, बी है 4 चेन्स, सी है 5 चेन्स एंड डी है नॉन ऑफ द अबोव. तो हमारा आंसर सी सही होगा, 5 चेन्स, यानी कि जो फॉलोअर्स होता है उसके पास जितने भी एरो होंगे उतने ही स्टार्टिंग पॉइंट से हमारा डिस्टेंस होगा. तो हमारा क्वेश्चन 44 का आंसर सी सही होगा, 5 चेन्स. क्वेश्चन 45, चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर. चेनेज होता है वो कैसे डिस्टेंस मेजर करता है? अलोंग चेन लाइन, बी है परपेंडिकुलर टू चेन लाइन, सी है परपेंडिकुलर टू टाई लाइन, सी है डी है नॉन ऑफ द अबव. चेनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग चेन लाइन. जो चेनेज होता है वो डिस्टेंस को मेजर करता है अलोंग द चेन लाइन. क्वेश्चन 45 का आंसर ए सही होगा, अलोंग चेन लाइन. जो चेनेज होता है वो डिस्टेंस मेजर करता है अलोंग चेन लाइन. तो हमारा क्वेश्चन 45 का आंसर ए सही होगा, अलोंग चेन लाइन. थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए.